गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स अ रैंडम व्लॉग क्योंकि हम लोगों का अचानक से प्लान बना था मिल्टन आने का और मेरी बहन को उसकी एक फ्रेंड से मिलना है जिसको अचानक से और हम लोगों का कोई प्लान तो मैं दो साल से लारे लगा रही थी कि मैं आऊँगी मिलने, उसके बच्चों के लिए प्रेजेंट्स भी घर पे लेके रखे हुए हैं। हाँ, हम लोग प्रिपेयर थे कि कभी भी जाएंगे तो हम लोगों के पास प्रेजेंट्स थे, बट आज प्लान बना है बिल्कुल सडन। तो ऑफकोर्स किसी के घर जाते हुए खाली हाथ तो अच्छा नहीं लगता, लाइक हम तो नहीं जा सकते खाली हाथ। तो फिर हम लोगों को यहाँ पे एक जगह मिली है, यहाँ से कुछ परचेज करते हैं और फिर आप लोग कहाँ बैठे ओके तो दिखाते हैं हम लोग क्या कुछ लेने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें नियर बाय में कुछ ऑप्शंस मिले हैं जो कि केक्स के हैं। क्या ले रही है? ओ माई गॉड, इफ दे हैव स्मॉल लाइक पेस्ट्री टाइप तो कुछ ले लेते हैं। आई नीड 100 ग्राम्स ऑफ हनी केक। अच्छा, काट के देते हैं। टू पीस ओके गॉड। एंड गाइज, हम जिसके लिए लेने आए हैं उसका छोड़ के हम लोग अपने लिए ही लेने लग गए हैं। हमें वहाँ पे हनी केक दिख गया और काफ़ी टाइम से हम लोग हनी केक ढूंढ रहे थे, बट यहाँ पे हमें दिखा है तो हम उसका भूल गए हैं, मोटिव से हट के एज़ यूजुअल, और हम लोग अपने लिए लेने लगे हैं। और यहाँ पे बहुत मज़े मज़े के, ये जो आपको प्राइसेस दिख रही है ना, आप ये ना सोचे कि ये पूरा केक कितना है, इतने का है। सो पर 100 ग्राम्स की प्राइस लिखी है। ओके, तो केक हमने ले लिया है, अब हम लोग इनके गिफ्ट कॉर्नर में जा रहे हैं अगर हमें वहाँ से कुछ और प्रेजेंट मिल जाए, क्योंकि आप जानते हैं क्यों। सो वी ओ इट्स क्यूट, लेट्स सी विल फाइंड समथिंग फ्रॉम हियर। गाइस, हमने चीज़ें तो ले ली हैं बट लिटरली इट्स सो एक्सपेंसिव, मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगी। अगर तो केक अच्छा हुआ तो केक के लिए आप लोग यहाँ पे आ सकते हो, बट इट्स टू एक्सपेंसिव है ना, टू एक्सपेंसिव गाइस, बहुत ज़्यादा। हमने थोड़ी सी चीज़ें ली हैं, लाइक थोड़ी क्या, बिल्कुल ही थोड़ी सी, दो तीन चीज़ें ली हैं एंड इट्स कॉस्ट $100। मज़ा नहीं आया, मैंने सोचा बड़ा कुछ मिल जाएगा बट इट्स वेरी एक्सपेंसिव। एनी वेज, टेस्ट अच्छा हुआ तो वर्थ है। गॉड, दे आर वेरी नाइस। के हूँ मैं, सो गाइज यहाँ पे कढ़ाई पॉइंट पे आपको अफ्तार बुफे भी मिल जाएगा अगर आप लोग यहाँ पे अफ्तार करना चाहते हो, एंड दे हैव सो यमी यमी फूड। बहुत ही मज़े अपनी बारी का, हमारी बारी आए और हम बैठे और हम लोग खाना स्टार्ट करें बिकॉज वी आर सो हंग्री। खाना स्टार्ट करें, लेट्स गो। इनके साथ आई हूँ डिनर पे और ये दोनों लोग फ़ोन पे इतने बिजी हैं कि इनको पता भी नहीं है कि इनके साथ कोई तीसरा बंदा भी है। दोनों फोनों पे लगे हैं, आपस में वैसे ही बात कर लो, मैसेजेस जो एक दूसरे को सेंड कर रहे हो। और ये मैं हूँ जो कि इनकी आपको तारीफें बता रही हूँ, ये मैं हूँ। और हम लोगों ने खाना ऑर्डर कर दिया, खाने का वेट करें, बहुत भूख लगी जैसे ही आता हम लोगों को गाइस। हम लोग आ गए हैं, फ्री हो गए हैं, हम लोगों ने डिनर कर लिया है और यू नो व्हाट, अब मैं लेने लगी हूँ रिव्यूज अमर के, मैं बाद में लेती हूँ, पहले तो मैं लूंगी मैविश से। हाँ जी, कितना मजा आया आपको? मज़ा तो बिल्कुल नहीं आया क्योंकि ये हमारा वन ऑफ द फेवरेट रेस्टोरेंट्स है। आपने पिछले ब्लॉग्स में भी देखा होगा कि हम कितनी बार आए हैं इनके साथ इनके पास खाना खाने के लिए, लेकिन आज सब कुछ यूजलेस था। सबसे बुरा था इनका ब्रेन मसाला और उससे भी बुरे थे इनके कबाब, और सबसे बुरी थी इनकी फिश जो कि हमारी मोस्ट फेवरेट है। और उसके बाद इन्होंने अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए इतनी टाइट सीट्स कर दी हैं कि मुश्किल से ही कोई घुस पाए, मतलब वो लग रहा था किड्स एरिया है कि वहाँ पे सिर्फ बच्चे पूरे आ सकते हैं। और उसके अलावा ये हुआ कि बुफे के लिए हम गए थे और बुफे में सिर्फ इनके 10 आइटम्स थी। तो अब हम दूसरे और रिव्यूज आपको बताते हैं आज के। तुम्हें कैसा लगा आज का दिन और आज का खाना, और क्या डिसअपॉइंटमेंट है? यार, दिन तो आज का अच्छा था लेकिन खाने में बहुत डिसअपॉइंटमेंट थी, पैथेटिक।
उनकी मोस्ट फेवरेट फिश थी और वही आज मतलब इट वॉज हॉरिबल, बिल्कुल मज़ा नहीं आया। कुछ 19-20 फ़र्क नहीं था, बहुत ज़्यादा फ़र्क था। मतलब वो फिश ही नहीं थी, इतने बड़े बड़े पीस दे के मतलब पाए खाने आए हैं, फिश खाने आए हैं और ऊपर से ओवर कुक्ड जली हुई ऐसे फिश। और सो बट आई बिलीव कि ये क्वांटिटी क्वालिटी ओवर क्वांटिटी कर रहे हैं, कि क्वांटिटी को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं और क्वालिटी को ये इग्नोर कर रहे हैं टोटली। हां, अब अंडरस्टैंड रमजान है लेकिन आप क्वालिटी तो रखो। ऊपर से बुफे वाज जस्ट अ जोक, मतलब आई थिंक $40-45 कितना चार्ज कर रहे हैं ये लोग, बट इट वाज नॉट वर्थ इट। मतलब आई विल नॉट इवन पे $20 फॉर दिस बुफे। इतना छोटा सा काउंटर था जिसमें हार्डली 8-10 चीजें होंगी, नान मिला के और साथ पानी मिला के, सैलेड मिला के। तो नहीं, इनको अपना कंपटीशन देखना चाहिए। हमारे हम हमेशा से इनके फैन रहे हैं, लेकिन हम कभी बुराई नहीं करते, हम हमेशा यहाँ हमें हमेशा अच्छा ही करते हैं और बार बार हम अच्छे से अच्छा रिव्यूज देने की कोशिश करते हैं। स्टाफ अभी भी बहुत फ्रेंडली था, बहुत अच्छे हैं, स्टाफ बहुत अच्छा है, लेकिन खाना वो जीरो यार, जीरो। इतनी भूख के बाद मजा ही नहीं आया, मतलब सारा दिन की भूख जो सी है वो। और हम ना मॉन्ट्रियल तक गए, हमने वहाँ पे इतनी फिश खाई और वहाँ पे भी हम इन्हीं को याद करते थे, नहीं इनकी बहुत अच्छी है। बट और हमने बताते थे हर रेस्टोरेंट पे जाके, हम कहते थे कि जी आप जाके ट्राई करें जो कड़ाही पॉइंट की है, इट्स ऑसम। हम इतने बड़े फैन थे, लेकिन मुझे ज्यादा अफसोस ये हो रहा है कि जो चीज एक पसंद थी अब वो नहीं मिला इनसे। आई होप कि क्वालिटी दोबारा अपनी करें। इट वाज आई डोंट नो क्वालिटी के बस किसी ने यार इससे अच्छी तो मैं घर में बना लूं यार, मतलब दिल ही तोड़ दी, दुखी कर दिया। बहुत दुखी है हम, दुखी होके घर जा रहे हैं, बहुत दुखी है व्यूअर्स। हम फिर ट्राई करेंगे, एक बार जरूर आएंगे, एक मौका और देंगे वो भी ये जब इनके बफे वगैरह खत्म हो जाएंगे तब आएंगे। और फिर भी अगर इनका सही ना हुआ खाना, फिर हम धज्जियां उड़ाएंगे इनकी रिव्यूज पूरे देंगे। मतलब तुम दोबारा आना चाहती हो? शायद नहीं। चलो फिर हम कुछ और ट्राई कर लेंगे, बट मैं एक और मौका देना चाहती हूँ। मैं भी एक मौका और दूंगा, बिकॉज एक दफा हो जाता है, लेकिन यार लेकिन एक दफा भी अगर हुआ, हम तो पूरे पैसे दे के आए हैं ना। However, उन्होंने बोला कि हम आई थिंक कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं, जो कि मुझे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, बिकॉज वी पेड रियली गुड अमाउंट, पूरा बिल दिया हमने। तो और हम लोगों का ये था, हम जाते थे खाना खाने तो हम इनका बेसिकली फिश है स्टार्टर काइंड ऑफ, और हम बार बार वही मंगाते रहते थे, यार एक और ले आओ, यार एक और ले आओ, क्योंकि इतनी जूसी और इतनी मजे की और बहुत अच्छी थी। और मैंने दिखाया ही नहीं एंड में कि हमने जो बचाया, हमने टेक आउट भी नहीं कराया कि यार यहाँ नहीं खाया जा रहा, घर कौन खाएगा इसको। मैं सॉरी दिखाना भूल गई कि हम सब कुछ छोड़ आए हैं। मेरी बहन ने इतने शौक से मगज मंगाया था ब्रेड मसाला और वो भी पैथेटिक। सो आफ्टर हमने चाय भी पीनी थी अभी, हमने सोचा था हम चाय भी पियेंगे, है ना, मीठा भी खाएंगे, चाय भी पियेंगे, लेकिन बट हम डिसअपॉइंट हो गए। तो अब हम जा रहे हैं घर। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और कमेंट्स में मुझे जरूर बताया करें कि आप लोग मेरी वीडियोस कहाँ से वॉच कर रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।